नमस्कार दोस्तों, लॉयड 32 इंच एलईडी टीवी, जैसा कि आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, इसमें हमने पैनल चेंज करने के बाद में मैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह आयर सेंसर है, यह हमने साइड में रख दिया है। मैपिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर किसी को मालूम होना चाहिए। बिना टीवी खोले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके लिए जरूरी है हम इसका ओरिजिनल रिमोट ले लें। अब हमने इसका ओरिजिनल रिमोट ले लिया। इसका सर्विस मोड ओपन करने के लिए हमें मेनू और 1147 प्रेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1147 प्रेस करने के बाद में इसका सर्विस मोड ओपन हो चुका है, फैक्ट्री सेटिंग आ चुकी है और जो कर्सल है जनरल सेटिंग पे। अब हम जनरल सेटिंग का पेज ओपन कर लेंगे। पेज ओपन करने के बाद में LVDS मैपिंग आ चुका है। इसमें 0 to 0 से लेके 15 तक सेटिंग है। जहाँ पे पिक्चर क्लियर आएगा वहाँ पे हमें छोड़ देना है। हम अलग अलग सेटिंग चेंज करके देख रहे हैं और आप पिक्चर में इफेक्ट देख सकते हैं। जहां पे पिक्चर क्लियर आएगा वहां पे हमें छोड़ देना है। रिमोट में एग्जिट का बटन दिया हुआ है। हम चेंज करते जा रहे हैं, आप पिक्चर में वेरिएशन देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर क्लियर है, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। यह एग्जिट का बटन है, यह प्रेस करने के बाद में सर्विस मोड से हम बाहर आ जाएंगे। अब हमने यह बटन प्रेस करेंगे और हमारा सर्विस मोड क्लोज हो चुका है और यह पिक्चर हमारा 100% ओके हो चुका है। हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोटिवेशन एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।